हेलो सर, तो कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले कल की बात करें, ये वीडियो बहुत बड़ा होगा बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें और मैं डाल दूंगा, अलग से मैं वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है? आज काफ़ी ज़्यादा मैचेस थे, तो कल जैसे हमने आपको बोला था, आप बांग्लादेश के साथ रहो, अगर स्टार्ट से ही आप रहे तो आपका काम हो गया। आरसीबी हमारी टीम विन हो गई, ठीक है? इधर में आपका जो ये 15 ओवर का गेम है उसमें तो कुछ हुआ नहीं। आयरलैंड वाले में सेम जैसा मैंने आपको बोला, अगर आयरलैंड पूरा 20 ओवर तबीयत से खेल देगी, स्टार्ट में इनके विकेट्स गिरेंगे। जॉस लिटिल विकेट लेगा, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसने 2 विकेट ले लिया है, ठीक है? इसके अलावा तो और इस्लामाबाद वाला चल रहा है, उसके 3 विकेट गिर गए, इसलिए मैं वीडियो बना इस सेंस में बना रहा हूँ कि फाइनल ये जो आपका एलिमिनेटर होगा वो हमारा पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद का ही होगा। तो इसके ऊपर हम लोग डीप डिस्कशन करेंगे, कोई भी जीत सकती है बिकॉज इस्लामाबाद कंटिन्यूस विन करी और पेशावर में नवीन उलहक चले गए, ठीक है? तो सबसे पहले इन दोनों को कंप्लीट करते हैं, फिर इसको देखेंगे, फिर कुछ इधर उधर के मैच है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो मैंने पॉइंट्स टेबल निकाल लिया है, ठीक है? तो राजस्थान सेकंड पोजीशन पर है, न्यूयॉर्क आपकी न्यूयॉर्क भी थर्ड पोजीशन पर, दोनों 4 में 3 जीती है, तो ये अच्छा मैच बन सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। इस टूर्नामेंट में अभी काफ़ी टाइम से अच्छे मैच नहीं हुए हैं, स्टार्ट के मैच हटा दे तो बहुत हाई चांस है कि आने वाले आपको कुछ 2-3 दिन में बहुत हैवी मैच मिलने वाला है, ठीक है? क्योंकि कंटिन्यूस इनके जो मैचेस हैं वो एक तरफा जा रहे हैं, ठीक है? तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, और मैं भी कंटिन्यू सब स्किप ही कर रहा हूँ, ठीक है? अब पंजाब और आपका कैंडी का मैच है, और तो दोनों ही मिड ऑफ द टेबल में, इसको भी मैं टीम देख के बताता हूँ, इसको भी अपन करते हैं, ठीक है? तो ये सब तो मिड ऑफ द टेबल का ही मैच है। देखिए डीडीबी इन सब जब तक हारेंगे आप उनके अगेंस्ट ही रहना, और डीजी अभी टेबल टॉपर है तो आप इनके साथ रहो। हालांकि मेरी जो टीम थी जो मैंने आपको बताया था वो शायद आरके की टीम थी, ठीक है? कल उनका ही मैच है, आइए देख लेते हैं। हाँ, तो राजस्थान का मैच है, न्यूयॉर्क आपकी सुपर ये जो भी इनकी टीम का नाम है, मेरे को ये टीम ज़्यादा पसंद है, ठीक है? रॉबिन थापा की टीम है, इनकी टीम में भी कोई कमी नहीं है, मैच काफ़ी अच्छा बन सकता है, बट हमारी टीम राजस्थान रहेगी, ठीक है? जैसा मैंने बोला है पूरे टूर्नामेंट में पंजाब की टीम देखा जाए तो ये दोनों, अगर कैंडी की टीम थोड़ी सी कमजोर है अगर इस तरीके से आप देखोगे तो, सिंस इसमें इरफान पठान यूसुफ पठान सब कोई खिला नहीं रहा पता नहीं क्यों, और इनकी टीम भी कोई खास नहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनकी टीम में भी काफ़ी कमी है, और यही टीम हमारी रहेगी, ठीक है? कैंडी रहेगी, ठीक है? अब देखिए पेशावर और हम लोग इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं। तो देखिए पेशावर मेरी टीम थी, जैसा मैंने बोला था पेशावर और मुल्तान का ही फाइनल होगा, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली अगर इसमें नवीन उल हक होते तो मैं इनको और पिक करता, बट नवीन उल हक चले गए, ठीक है? उधर आरसीबी भी हमारी फाइनल में चली गई है, पहली बार किसी को भी उम्मीद नहीं होगा, बट जिस हिसाब से मैंने आपको बोला था सोफी मेलिंग, आशा सुभाना, इन सबका जिस तरीके से कोई सोचा भी नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए उसके ऊपर तो अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। देखिए इस्लामाबाद कंटिन्यूस मैच विन करके आ रही है, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी इनके मेन बॉलर हट गए, अब इस्लामाबाद के अगेंस्ट जाना मेरे को थोड़ा सा खलने लग रहा है, ठीक है? हालांकि वो कंटिन्यूस जीत रहे, पर पेशावर भी काफ़ी अच्छी टीम है पेशावर की, अगर देखा जाए तो एक बॉलर के हटने से हालांकि कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो फिर भी मैं इन्हीं के साथ रहूँगा, ठीक है? मैच काफ़ी अच्छा बन सकता है, मैं पहले बता दूँ। इस्लामाबाद की टीम में भी इनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, ठीक है? आपके नसीम शाह वगैरह अच्छा कर रहे हैं, इनके जो प्लेयर्स हैं अच्छा कर रहे हैं, हालांकि आज एक आध प्लेयर इनके खेले भी नहीं है, आपके मनरो वगैरह, ठीक है? बट चलिए ठीक है, मेरी हमारी टीम यही रहेगी, पेशावर रहेगी, ठीक है? तो इसमें मैंने बता दिया आपको कल का दिन में, मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि इन दोनों अब मैच अच्छे हो सकते हैं 16-17, ठीक है? इसके बाद मेरे यहाँ से लेकर, क्योंकि कंटिन्यूस लाइन से काफ़ी मैच हमको एक तरफा मिले हैं, तो ये मैच अच्छे बन सकते हैं, याद रखिएगा, हो सकता है आपको बहुत बहुत हैवी आपको कुछ ऐसा मिल जाए, वो मैं पिक करूँगा। मैं कंटिन्यूस पिछले ना जाने कितने मैच को स्किप कर रहा हूं, बट कल कुछ हो सकता है, कल परसों 1-2 दिन में, ठीक है? इसमें हमारी टीम पेशावर रहेगी, तो यही हमारा वो रहेगा, ठीक है? बाकी कल मैचेस ज़्यादा नहीं है, ठीक है? अब आप वीडियो बंद कर सकते हो, अब इधर उधर के थोड़े बहुत टूर्नामेंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं भी अपना मोबाइल खोल लिया हूँ, क्योंकि अलग से वीडियो बनाने का सेंस नहीं बनेगा, ठीक है? तो पीएनजी वर्सेस मलेशिया, इसके मैचेस आते रहते हैं, अगर मेरे से कुछ होगा तो मैं जरूर आपको दूंगा, क्योंकि ये सब टूर्नामेंट्स में अपन पिक करते हैं, ठीक है? सुबह 8:15 बजे से, जैसा मैंने बोला था, पीएनजी को हल्के में मत लीजिएगा, उन्होंने टूर्नामेंट विन करके आ रहे हैं, ठीक है? आपके नेपाल को भी इन्होंने हरा दिया, इनकी टीम काफ़ी अच्छी है, हिरी हिरी का नाम याद रखिए, जैसा मैंने बोला टोनी उरा, जैसा मैंने बोला काफ़ी अच्छा खेलते हैं, लास्ट मैच में इन्होंने 60 रन कुछ बनाए थे, किपलिन डोरी का इनके, शशि बाबू इनके ऑलराउंडर, असद वाला इनके ऑलराउंडर, ठीक है? चार्ल्स अमीनी इनके ऑलराउंडर, नॉर्मन वरु अच्छा मारता, अली नेओ ने भी लास्ट मैच में 10 बॉल पे 30 रन की पारी कुछ खेली थी, 4 सुपर इनके अच्छे ऑलराउंडर, तो इनकी टीम काफी सॉलिड है, ठीक है? इनके फास्ट बॉलर, इनके ऑलराउंडर्स का टीम काफी अच्छी है। बाकी मलेशिया की टीम में देखा जाए तो इनके पास हद से ज्यादा ये जो स्पिनर्स हैं, सारे प्लेयर कोई ऑफ स्पिनर है, कोई लेग स्पिनर है, लेफ्ट आर्म का स्पिनर है, पर इनके जो 2 मेन प्लेयर हैं, एक इनका ये है सैयद अजीज मुबारक, इनके विकेट गिरने से इनकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है, दूसरे इनके वीरनदीप सिंह कैप्टन रहते हैं, लेफ्ट आर्म के स्पिनर है, बैटिंग करते हैं, दोनों से मैच विन कराते हैं, ठीक है? बाकी इनके जितने भी बच्चे हैं सब आप बोल सकते हो हद से ज्यादा इनके पास बेकार प्लेयर, अगर ऐसे देखा जाए तो इनके स्पिनर्स काफी अच्छा है। फिर मैं वही बोलूंगा, अगर पूरा 20 ओवर खेल लिए, मैच कहाँ पे हो रहा है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो इन्हीं की धरती पे हो रहा है मलेशिया में, तो कहीं ना कहीं भी इनकी पिचेस भी थोड़ी स्लो रहती हैं, और पीएनजी को हराना आसान नहीं होगा, ठीक है? टूर्नामेंट तो पीएनजी को हराना इतना आसान इनके लिए नहीं होने वाला है, कंटिन्यूस खेल के आ रहे हैं, मलेशिया थोड़ी डाउन टीम है, इनके स्पिनर्स अच्छे हैं, फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा ना, मैं ये सब देख के नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आप इसी के साथ रहो, ठीक है? टीम अच्छा करके आ रही है, इनकी बैटिंग बॉलिंग सब अच्छी है, ये अगर पहली बैटिंग भी करते तो इनकी हालत खराब कर सकती है, आपका काम इसी टीम पे होगा, ठीक है? भले मलेशिया में मैच हो रहा है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ आप इनके साथ रहो, दोनों मैच में आपका काम हो जाएगा, ठीक है? मलेशिया क्या कर सकती है, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जैसे आज आपने क्या नोटिस किया, आयरलैंड ने पूरा 20 ओवर तबीयत से खेल दिया, आखिरी ओवर में वो हैरी टेक्टर तक बच गया था, वो मार रहा था, ठीक है? उन्होंने मैच एक तरह से 3 विकेट इनके तुरंत गिर गए, तो आपका काम हो गया, मैं वही बोल रहा हूँ, यही मेरा ट्रिक है, अगर मलेशिया 20 ओवर पूरा तबीयत से खेल जाता है, जो लो ग्रेड की टीम है, तो सामने वाली टीम की हालत खराब कर देगी, तो बस यही बोलना है, हालांकि हमारी टीम इसमें पीएनजी रहेगी, ठीक है? अब देखिए एक जो ये टूर्नामेंट है ना, ये वाला कोई एक शुरू हुआ है, 3 मैच इसके एक तरफा चेज हो गए, 3 मैंने देखा, होता तो जरूर आपको करवाता, क्योंकि मैं रात का स्किप करता हूँ, कि मेरा ये मानना होता है कि रात के 11-11:30 बजे के बाद बंदा कोई एक्टिव नहीं रहता, ठीक है? तो अपन उसी पीरियड में करते हैं, हमारा ये मैच रहेगा, ठीक है? ये
कल भी 3 मैच है, उसके बाद और 3 मैच है, आपका फैन कोड है और कहीं ना कहीं इसके अबू धाबी टाइप के उसमें हो रहा है, तो ये पिचेस ज़्यादा रन नहीं बनेगा, 160 के लगभग बनेगा, ठीक है। तो देखा जाए तो आज जो वॉरविक शहर की टीम है अभी एकदम भयंकर जीत के आ रही है, ठीक है, इनकी कहीं ना कहीं उन्होंने 118 पे उनको ऑल आउट करके सबसे बेकार टीम अबू धाबी जो करके है, और इनकी टीम ने मैच विन कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा मैच विन किया है, तीनों ही चीज़ हुए, नॉटिंगहम शायर ने मैच विन किया है, इनके भी आखिरी तक बैटिंग लाइनअप है, और बाकी जो तीसरा मैच विन किया है वो यॉर्कशायर ने विन किया, उस सुबह का मैच था, उन्होंने भी 150 रन सब चेज कर लिए थे। तो इसमें ये जो बल्लेबाज है सेंचुरी मार के आ रहा है, आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ही बड़ा प्लेयर है, बन सकता है। एडम लिथ शुरू में बहुत भयंकर मारता है, बाकी जॉर्डन थॉमसन को आप जानते ही हो बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा करता है, इनके पास बैटिंग लाइनअप पूरा एंड तक है। अब जो तीनों टीम हारी है वो समरसेट सिंस, इसमें अगर आप देखोगे तो ये सब पता नहीं कौन कौन है, ठीक है। ऐसे टीम बेन ग्रीन आपको बैटिंग से जैकपॉट दे सकता है, हर बार देता है, ठीक है, अपनी बैटिंग से मैच विन करा सकता है, बाकी इनके पास टॉम एबेल है, लैम बोनी, ये सारे क्रिकेटर्स खेल चुके हैं, पर इनकी बॉलिंग पुअर है, ठीक है। तो सबकी ही इसमें देख रहा हूं मैं बॉलिंग पुअर है, इसलिए तीनों मैच चेज हुआ है, ठीक है। इन सबकी बैटिंग एक तरह से काफी स्ट्रॉग है, तो यहाँ डिफेंड मिलना थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है। ये तो सबसे बेकार टीम है, इसमें तो कोई है ही नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक बेकार टीम है, और सारे मैच में आप इनके अगेंस्ट रहो। एसेक्स की टीम अच्छी लग रही थी मेरे को, हालांकि आज इन्होंने कुछ कर नहीं पाए, इनके पास भी कहीं ना कहीं एक तरह के एवरेज क्रिकेटर है, लुक बिंकस्टैन फ्यूचर है इनका, इंग्लैंड का लेग स्पिनर है, अच्छी बैटिंग करता है, क्लास है बंदे में, मैथ्यू क्रिसली काफी तेज खेलता है, माइकल काइल पेपर काफी तेज खेलता है, ठीक है। तो इनकी भी टीम अच्छी है, और समरसेट में जैसा मैंने बोला कि इनकी बैटिंग ज्यादा स्ट्रॉग है बॉलिंग से, तो ये चेज में आपको कुछ कर सकते हैं, ठीक है, चेज में आपका काम हो सकता है। इनकी टीम देखा जाए तो यॉर्कशायर आज समरसेट को काफी तबियत से हराए हैं, बट कहीं ना कहीं इनकी टीम में भी अप्स एंड डाउन है, मतलब इतनी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है इनकी, नॉटिंगहमशायर की भी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है देखा जाए तो, और इनकी टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम लग रही है वॉरविक शायर की, क्योंकि इसमें इनके जो ये सारे क्रिकेटर काफी अच्छा खेलते हैं, ठीक है। माइकल बर्गस ने आज रन बनाया है, ये क्रिस बेंजामिन अच्छे हैं, जॉर्ज गार्टन एड बनाडे सब इनके अच्छे खासे क्रिकेटर हैं, तो कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, बट मैंने ये बता दिया, शो कर रहा है तो कल मैं दे सकता हूँ, तो आप एक्टिव रहना, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं बस यही बोलूंगा कि ये टूर्नामेंट थोड़ा चेज के लिए ज़्यादा वो रहेगा, तीनों मैच चेज हुए हैं आज और आगे भी आपको चेज मिलना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी जो देखा जाए तो एक तरह से ये टीम तो सारा हारने वाली है, ठीक है। अबू धाबी एसेक्स की टीम भी देखा जाए तो ठीक ठाक टीम है, ये डिफेंड कर सकते हैं आज के दिन में, हालांकि कुछ कर नहीं पाए, बहुत बुरा हारे हैं, ठीक है। पता नहीं क्या बोलूं मैं ये सब टूर्नामेंट में, बस मेरा काम था आपको बता देना, ठीक है। कुछ होगा तो मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ, अगर वहाँ पे होगा कुछ तो मैं आपको वहीं पे बताऊँगा, ठीक है। यॉर्कशायर की टीम अगर आप मेरे से पूछोगे तो टूर्नामेंट की जो बेस्ट टीम है, जो जिसको सारा जीतना चाहिए, ठीक है, वो हमारी टीम यॉर्कशायर की ही रहेगी, यही वाली टीम रहेगी, ठीक है। इनके पास नीचे तक बैट्समैन है और ये सब मार लेते हैं अच्छा खासा, और अच्छे खासे स्पिनर फास्टर सब है, तो यही को कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, बेकार के वीडियो बनाने का सेंस नहीं है, इसलिए मैंने इसी में किसी को घुसा दिया, ये मैंने सिर्फ आपको अंदाजा दिया कि ये टूर्नामेंट में अभी जो अगला 2 दिन है इसमें कुछ आपको अच्छा मिल सकता है, और बाकी 15 ओवर का जो गेम हो रहा है वो काफी अच्छा आपको अगले 2-3 दिन में अच्छा मैचेस मिल सकता है। कंटिन्यूस डेट के बाद यही एक होता है, वो पिक करना पड़ता है, मैं अब आपको पिक करके बोल रहा हूँ कि अब मैच अच्छा बनेगा, आप उठा के देख लेना रिकॉर्ड, कंटिन्यूस 10 मैच आपके एकदम एक तरफा हुए हैं, अब लाइन से आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं टूर्नामेंट एंड तक, ठीक है। आप तो वीडियो बन कर सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उनके कितने मैचेस और बचे हैं, ठीक है। ये जो आपके 15 ओवर का ये जो मैच है ना, स्टार्ट के कुछ मैच अच्छे हुए थे, ठीक है, जो हमने पिक भी किए थे, उसके बाद सब डेड, सब लाइन से डेड हो रहे हैं, ठीक है। तब उसके जितने ज़्यादा मैच नहीं बचे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैच बचे हैं, और आप एक छोटा टूर्नामेंट समझ लो कि सिर्फ 7 मैच का टूर्नामेंट हो रहा है, लिख के दे रहा हूँ 3 से 4 मैच आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है, ये बात मेरी याद रखिएगा, बाकी आपकी मर्जी है, हो सकता है अभी तक आपने इग्नोर किया हो और मैंने कुछ बोला भी नहीं, ठीक है। वो जो 15 ओवर का गेम है, अगले 7 में से 3 या 4 आपको बहुत बड़ा मैच मिलेगा, बस इतना ही मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप 7 मैच का एक सीरीज सोच के करोगे आपका काम हो जाएगा। अबू धाबी में इनके जो बचे हुए 6 मैच है, इसमें 2-3 मैच काफी अच्छे मिल सकते हैं, हमारा टारगेट यही दोनों ऑफ जो जो कोई देखता भी नहीं उसको पिक करने का होगा, इसलिए मैंने आज बता दिया आपको। बाकी IPL हमारा स्टार्ट होने वाला है, उसके पहले ये सब टूर्नामेंट खत्म होने वाले हैं, हमारी टीम मुल्तान और पेशावर ऑलमोस्ट फाइनल में जाने वाली है, RCB हमारी फाइनल चली गई दिल्ली के साथ, जो मैंने पहले भी बोल दिया था, ठीक है। इन सबको खत्म करने के बाद फिर अपन IPL के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ।